चतुर्वेदी, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सच्ची आवाज जनता की एक बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद से, जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिपोर्टर संजय गुप्ता। हैदराबाद में दिल दहला देने वाली हत्या सामने आई है। एक 25 वर्षीय आदमी को दिन बुधवार घटना संख्या 143 प्राइवेट एक्सप्रेसवे पर हुई थी। मृतक की पहचान जो कि रमेश के रूप में कराई गई थी, रमेश राजेंद्र नगर अदालत से वापस लौट रहा था। हमलावरों ने 100 मीटर तक पीछा किया। उन्होंने एक कुल्हाड़ी से हमला किया, जो कि उस स्थान पर मौजूद कुछ अन्य लोगों ने हस्तक्षेप किया, वो भी असफल रहे। मौके पर एक यातायात पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद था, लेकिन वो भी हमलावरों को पकड़ने में नाकामयाब रहा। इस वीडियो फुटेज में साफ साफ दिखाया गया है कि एक पुलिस वैन घटना के समय एक पुलिस वाहन गश्त चल रहा था। आखिरकार ये पुलिस वाले इस घटना को रोकने की कोशिश क्यों नहीं किए? अगर हमलावर को मौके पर पुलिस रोकती तो उस मासूम की जान बच सकती थी। क्या हैदराबाद में यूपी 100 नंबर की जो एक कार वहां से गुजरी, क्या उसमें एक ही शख्स तैनात था? अगर वहां पर अगर कार भरी हुई थी, पुलिस वाले करते, क्या पुलिस वाले अपनी ड्यूटी पर नहीं थे उस वक्त? आखिरकार क्या हो रहा?